सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 14 जनवरी और आज है मकर संक्रांति। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। और गाइस, इस त्यौहार को खेचराई भी कहते हैं, यानी कि ये एक रक्षाबंधन की तरह मनाया जाता है। और आज के त्यौहार में भाई ना, पतंग उड़ा के सेलिब्रेट करते सभी लोग। तो अभी मैं तो लाया नहीं पतंग, क्योंकि हमें अगर लानी है पतंग तो शहर जाना पड़ेगा, यानी कि राजपुर जाना पड़ेगा। और भाई मैं गाँव में, और यहाँ पे आज है जो वो ठंड तो आज नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी मैंने कपड़े डाल लिए, क्योंकि मुझे यार जुकाम हो गया है। पता नहीं क्यों भाई, हवा वगैरह कुछ, शायद उस दिन मैं गया था कागज लेने के बाद गाड़ी के, तब शायद कुछ हो गया है, उसी वजह से खांसी जुकाम हो गया है। तो आज यार सभी लोग सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। मेरी तरफ से सभी को यार हैप्पी मकर संक्रांति। तो अभी यार देखते हैं, यार चाय वगैरह बन गई होगी तो चाय पीते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है आज के डेट में। भाई आज तो सेलिब्रेशन टाइम है, कुछ ना कुछ तो भाई स्पेशल बनेगा ही घर पे। सो गाइस यार, अपनी चाय आ गई है, आज लाल चाय बनी है, जिसको हमारे यहाँ काढ़ा बोलते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये, और ये तब पी जाती है जब यार आपकी तबीयत में कुछ गड़बड़ लग रहा हो, तब इसे पी लो भाई, एकदम तबीयत दुरुस्त हो जाती है। तो यार काढ़ा पीते हैं, क्योंकि मुझे यार खांसी जुकाम फील हो रहा है, इसलिए मम्मी ने ये बनाई है ताकि मेरी खांसी वगैरह ठीक हो जाए। प्लेट आ गई लग के और अभी नीचे बन भी रहा है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये बल्ला है, ब्रेड पकौड़ा, मंगौरा एंड गुलगुला और अपना चिल्ली एंड टमाटो सॉस। तो खाएंगे भाई, आज तो पूरा एकदम सेलिब्रेट हो गया यार। तो भाई यार अभी यार खाना वगैरह हो चुका है, और अभी मैं जा रहा हूँ खेल के मैदान में, क्योंकि आज से सेमीफाइनल राउंड शुरू हो जाएंगे, और कल है वो फाइनल होगा। कल से मैच खत्म हो जाएंगे, हमारे यहाँ जो टूर्नामेंट चल रहा था इतने दिनों से वो खत्म हो जाएगा। और आज यार खिचड़ाई है, तो हमारे गाँव में यार हर साल मंदिर पे खिचड़ी बनती है, और पूरे गाँव के लोग बुलाए जाते हैं वहाँ पे, खिचड़ी बटती है। तो अभी चलते हैं यार, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पर देखो खिचड़ी बांटी जा रही है पूरे गांव के सभी बच्चे, मतलब सभी को दी जाती है, ऐसा कोई नहीं। मतलब यहाँ पर अभी मैच हो रहा है, तो जो भी लोग मैच में आए हुए हैं सभी को दी जा रही है बिना भेदभाव के। और भाई बड़ा सा देखो, पूरा भगोना भर के बनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम पड़ जाएगी किसी को, सबको मिलेगी। और यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ है, जो मैच देखने आए या जो मैच खेल रहे हैं सभी को मिलेगी। और तो चलो भाई यार, अब मैं आया हूँ यहाँ पर तो मैं भी ले लेता हूँ। तो ये मुझे सबसे पहले तो यार एक दोना देते हैं, और उसमें मैं कहता हूँ थोड़ी देना, पर ये थोड़ी ही रख देते हैं ज़्यादा ही। तो चलो हमें भी मिल गई खिचड़ी, तो फटाफट से हम भी यार खाते हैं, और बाकी सब लोगों भी यार, जिन जो भी हैं हमारे यहाँ, सबको यार मिलेगी बिना भेदभाव के। और ये हर साल होता है, ऐसा नहीं है पहली बार है, ये हर साल होता है हमारे यहाँ पे। तो ये तो चलो यार फटाफट से खिचड़ी खाते हैं, और फिर देखते हैं आगे, मैच सेमीफाइनल चालू है। सो भाई यार, अभी यार मैच वगैरह ख़त्म हो चुका है, और खेल के मैदान में भी छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूँगा यहाँ पे। तो अभी मैच ख़त्म हो गया है, कल फाइनल राउंड है। तो अभी फाइनल में कौन कौन सी टीम पहुंची है ये अभी डिसाइड नहीं हो पाया, मतलब अभी तो एक तमरापुर शायद पहुंची है, और बाकी की जो टीमें हैं वो कौन कौन सी जाने वाली वो तो कल ही पता चलेगा। देखते हैं कल फाइनल होगा, किस 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 के बीच में होगा वो कल ही पता चलेगा अपने को। और अभी यार मौसम एकदम गड़बड़ा चुका है, और भाई हवा बड़ी तेज़ चल रही है, बादल हो रखा है, तो लग रहा है कि भाई जैसे शाम को पानी वगैरह होगा। तो देखते हैं यार, ठंड तो बढ़ गई है और मैंने कपड़े भी वगैरह डाल लिए हैं। तो चलो यार फिलहाल घर चलते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है। क्या है, समझा नहीं भैया, भाई हैं खेल रहे हो, जाड़ो नहीं लग रहा है, हैं घर है, चलो घर है। अब नहीं ओ कब बजे हो, सूर्य दिखा रहे हैं ना, फिर कब बजे हो, अभी हाथ पकड़े का आए हो, अब नहीं खुले है, देखो अब नहीं खुले, चलो घर चलो, अब इतनी ठंडी रुके का आए तुम घर, इन पर है घर नहीं जा पा रहे थे, और खेले उठ घर चलो घर है सीधे। भैया बॉल से खेलना, बॉल कौन बॉल, वही बड़ी वाली कहां धरी है। सो गाइस यार खाना वगैरह हो चुका है, और आज का जो दिन था यार काफी एंजॉय किया आज के दिन, और आज मकर संक्रांति भी थी। तो यार और मुझे अभी पता चला है कि कल के दिन भी मकर संक्रांति मनाई जा रही कहीं कहीं पे,
क्योंकि जो कैलेंडर के हिसाब से वो कल की है मकर संक्रांति। मतलब मैं सोच रहा था भाई ये इकलौता त्यौहार है जो एक दिन ही मनाया जाता है, तो अब भाई ये भी 2 दिन का हो गया। मतलब कोई त्यौहार छोड़े के नहीं भाई जो एक दिन का हो, अब सारे के सारे त्यौहार 2 ही दिन के रखेंगे लोग, लग रहा है सही। तो गाइस यार इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।